अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। तो ये मिट्टू की प्यारी सी बातें आपने सुनी। आज आपको दिखाएंगे एक साहिबा है हर्बल मेहंदी का रिज़ल्ट, तो उसे ट्राई करने के लिए मैं जा रही हूँ बच्चों के पास। बच्चे अम्मी की तरफ और मैं वहीं पर मेहंदी लगवाऊँगी, तो इसलिए मैं वहाँ जा रही हूँ। मिलते हैं आपको वहाँ पर। लो जी, मैं आ गई हूँ शारिकाशा के पास। लो जी, मैं आ गई हूँ यहाँ पे अम्मी की तरफ बच्चों के पास। बच्चे जो है ऊपर टेरेस पे गए हुए हैं। ये वाली मेहंदी जो है ना, मैं सोच रही हूँ मैं अपने सर में लगा लूँ। ये इस मेहंदी की मैंने बहुत तारीफ सुनी है। ये साहिबा हर्बल मेहंदी है। वैसे मैंने कलर लगाया हुआ है बालों में, और मेरे बालों का कलर कुछ इस तरह का है। ये कलर है मेरे बालों का, गोल्डन सा ब्राउन सा कलर है मेरे बालों का। और अभी जो है ना, काफ़ी दिनों से मैंने कटाई नहीं किया, तो मैं सोच रही हूँ ये लगा लूँ, ऐसा होगा या नहीं देखते हैं। अच्छा, इसका ये हर्बल है, और इसका ये फ़ायदा है कि ये बाल, जब बाल धो तो कपड़ों पे कलर नहीं आता, इसका बार बार कलर नहीं उतरता। उसके अंदर है आमला, सिका काई, बालचर, रीठा, पता नहीं नागर मोथा, हड़ीसा, संदल सफ़ेद, शैल, छबीला, रतन जोत, जलजीला स्याह और अमर बेल, और आकर कार का धनिया दाना मेथी। तो ये इसको तरकीब है जनाब इस्तेमाल की। इसको लेना है पाउडर को, नीम गरम चाय का कावा पकाना है, उसमें डालना है और पेस्ट बना लेना है। 2 घंटे भिगो कर रखेंगे तो ये फूल जाएगी, उसके बाद ये लगा लेनी है। तो अभी चलें इसको बनाते हैं। सबसे पहले इसको पेस्ट बनाते हैं। तो जी, मैंने कावा बना लिया है, आपको दिखाती हूँ। ये कावा मैंने बना दिया है चाय की पत्ती को, बस मैंने इसमें उबाला दिया है तो ये कलर आ गया कावे का। तो अब इस कावे को ना हमने इस मेहंदी में मिक्स करना है। सबसे पहले मैं मेहंदी को ओपन करूँगी और फिर इसको मिक्स करूँगी। अच्छा, ये एक पैकेट में से इतनी मेहंदी निकली है, और एक पैकेट है 60 रुपीज़ का, तो 2 पैकेट हमने लिए हैं। तो 2 पैकेट जो है इसको हम खोल लेंगे। अब ये मेहंदी मैंने जो है वो निकाल ली। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा कावा ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा कावा ऐड करूँगी इसके अंदर। और कावा जो है ना, वो भी हमारा नीम गरम सा कावा है, तो इसको जो ना मिक्स करेंगे हम, और मिक्स करके इसको थोड़ी देर भिगोएंगे और फिर लगाएंगे। तो यहाँ पे जनाब मैं आई हूँ स्पेशल मेहंदी लगाने की वजह से, वरना मैं बच्चों को बुला लेती अपने पास। तो मैं आपके साथ इसका रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करूँगी। तो जल्दी से इसे घोल लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ये भी मैंने मेहंदी घोल ली, और ये इस तरह की घुली है, और इसका कलर जो है ना वो रेड रेड सा मुझे नज़र आ रहा है जनाब। मैंने मेहंदी लगा ली थी और अब मैंने बाल वॉश किए हैं, तो कलर कुछ इस तरह का आ गया है, चॉकलेट कलर का, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए।